हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो पार्ट है कैपेसिटर, उसके प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो जितने भी क्वेश्चन है कैपेसिटर के रिलेटेड, सारे के सारे यहां पर कवर किए जाएंगे, राइट। चलो फिर अपना नोटबुक निकालो, पेन निकालो, आई स्टार्ट मेकिंग नोट्स अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया देखो यहाँ पर, देर आर टू पैरेलल मेटल प्लेट्स having charges plus q and minus q face each other at a certain distance between them. If the plates are now dipped in a kerosene oil tank, the electric field between the plates will be. तो देखो आपके पास क्या है, दो parallel plate है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव को हम लोगों ने क्या किया, ग्राउंड किया। दोनों के बीच में क्या है, अभी एयर है, कुछ नहीं, मतलब एयर। नाउ दीज प्लेट्स आर डीप इन अ केरोसिन ऑयल टैंक, मतलब केरोसिन बिहेव एज अ डाइलेक्ट्रिक हियर, राइट। तो क्या होता है देखो, अगर मान लो एयर एज अ डाइलेक्ट्रिक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ई नॉट है, एंड इफ वी इंसर्ट अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स, इन दैट केस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गेट्स रिड्यूस बाय ए वैल्यू के, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आता है ई नॉट बाय के। जैसे तुम लोग डायलेक्ट्रिक, याद रखना, डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, एंड यहाँ पर जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी बढ़ने वाला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीजेस। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, राइट। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगेन ईजी क्वेश्चन है। The capacitance of a parallel plate capacitor with air as a medium is 6 microfarad. तो capacity of a capacitor with air is 6 microfarad dN. With the introduction of a dielectric medium, the capacitance becomes, मतलब जब medium आ गया तो आपका capacity कितना है यहाँ पर, 30 microfarad है। The permittivity of the medium is, तो देखो हमें पता है जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है सी मीडियम डिवाइडेड बाय सी एयर, यही वाला फॉर्मूला है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू सी मीडियम बाय सी एयर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी मीडियम कितना दिया है, 30 माइक्रोफेरेड, सी एयर कितना दिया है, 6, तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर, 5। तो यहाँ से आपको रिलेटिव परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिला। आपसे पूछा परमिटिविटी ऑफ मीडियम, दैट इज एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू के, के कितना, 5। तो 8.85 इंटू 5 कितना होगा, 8 इंटू 5 40, 40 के आसपास आएगा, तो ये 44 के आसपास आएगा ये, इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, तो 44 के आसपास इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाँ, ये वाला ऑप्शन है, देखो ऑप्शन बी, वो 0.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 है, तो थोड़ा सा डेसिमल को शिफ्ट करोगे तो ऑप्शन बी आपको आंसर मिलेगा, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देर आर थ्री कैपेसिटर्स, ईच ऑफ कैपेसिटी 4 माइक्रोफेरेड, आर टू बी कनेक्टेड इन सच अ वे दैट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ 6 माइक्रोफेरेड, दिस कैन बी डन बाय। ओके, देखो ऐसे कैटेगरी के जो क्वेश्चन है आपको कैपेसिटर के अंदर भी मिलेंगे, रजिस्टर के अंदर भी मिलने वाले हैं। क्या बोला है कि वी हैव सम कैपेसिटर्स, थ्री कैपेसिटर्स हैविंग वैल्यू 4 माइक्रोफेरेड ईच, हमें रिजल्टेंट कितना चाहिए, 6 माइक्रोफेरेड। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तुम लोग हर एक ऑप्शन के लिए सॉल्व करके देखो, तो कम से कम स्टेप में आपको आंसर मिलेगा, ज़्यादा सोचना यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो देखो पहला ऑप्शन के लिए मैं अगर सॉल्व करता हूँ, क्या बोला है, कनेक्टिंग ऑल ऑफ देम इन सीरीज, तो सारे कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किए, सबका वैल्यू क्या है, सेम है, तो इसका सी इक्वेलेंट कितना आएगा, कैपेसिटर सीरीज में मतलब सी बाय 3 होता है, एंड सी कितना है, 4 है, तो 4 बाय 3 माइक्रोफेरेड। अब बोला क्या है, 6, तो मतलब ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी क्या है, कनेक्टिंग देम इन पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो कैपेसिटर के केस में क्या होता है, पैरेलल में एडिशन होता है, ये सी सी सी, तो तीनों का एडिशन मतलब क्या आएगा, 3C आएगा, तो 3 इंटू 4 मतलब 12 माइक्रोफेरेड, तो ये ऑप्शन बी भी क्या है आपका, गलत है। ऑप्शन सी पे आते हैं, कनेक्टिंग टू इन सीरीज एंड वन इन पैरेलल बोला, तो दो कैपेसिटर को ऐसे सीरीज में कनेक्ट किया एंड उसके पैरेलल में और एक कैपेसिटर लगा दिया जिसका वैल्यू क्या, सी है, राइट। अभी इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, देखो ये जो नीचे वाले दो सीरीज वाले कैपेसिटर है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, उसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, सी बाई 2,
और ऊपर एक कैपेसिटर है सी। अभी ये दोनों पैरेलल हो गए, तो मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा, सी बाय टू प्लस सी, मतलब क्या होगा 3C/2। एंड सी का वैल्यू आपको कितना दिया, 4 माइक्रोफेरड, तो इसको सॉल्व करोगे तो 6 माइक्रोफेरड आएगा, एंड हमें तो वही चाहिए ना 6 माइक्रोफेरड, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। हालांकि यहाँ पे अभी डी को सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं, राइट। ये अभी मैंने बहुत डिटेल में सॉल्व किया, इतना डिटेल में भी तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डायरेक्टली फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं इक्वल वैल्यू के तो सी बाई एन आता है, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो एन इंटू सी आता है, राइट। तो पहले दो ऑप्शन से तो डायरेक्टली पता चल रहा है कि पहले दो नहीं आएंगे, बाद में थर्ड के लिए एंड फोर्थ के लिए सॉल्व करके देखो क्या मिलता है। क्वेश्चन नंबर फोर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर फोर सॉरी, द इफेक्टिव कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी इज। तो ये देखो डायग्राम देखने से क्या समझ में आ रहा है हमें, कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। जैसे ही व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाई देता है 99.99% समझ के लेना वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। क्या होता है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अनबैलेंस होगा तो टफ क्वेश्चन बनेगा, एंड नीट में जनरली बैलेंस वाला ही क्वेश्चन आता है। तो ये क्या बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं, ये देखो। तो जैसे आपका रजिस्टर का कंडीशन है R1/R2=R3/R4, वैसे ही कंडीशन यहाँ पर आएगा C1/C2=C3/C4। तो देखो ये जो आर्म के अंदर रजिस्टर कनेक्ट किए है इसका रेशियो क्या आने वाला है, सेम आ रहा है, 1 आ रहा है, 6/6=6/6, मतलब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। एंड याद रखो अगर आपके पास बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, मतलब बीच वाला जो 20 माइक्रोफेरेड है ना वो निकल जाएगा पिक्चर में से, एंड जो आर्म के अंदर चार रजिस्टर है एंड सबका वैल्यू सपोज सेम दिया है, तो इसका जो सी इक्विवेलेंट आता है वो भी याद रखना वो सी के बराबर आता है। अगर C1, C2, C3, C4 सबका वैल्यू सेम है तो सी इक्विवेलेंट भी कितना आता है, वही वैल्यू आता है, दैट इज सी। तो C1, C2, C3, C4 का वैल्यू क्या है, 6 माइक्रोफेरेड, तो आंसर विल बी 6 माइक्रोफेरेड। याद रखना ये रेजिस्टेंस में भी अप्लीकेबल है, कैपेसिटेंस में भी अप्लीकेबल है, राइट। अच्छा अगर अलग अलग है तो उस केस में क्या करोगे, तो डायग्राम निकाल के सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर एक कैपेसिटर होगा, यहाँ पर एक कैपेसिटर, यहाँ पर एक कैपेसिटर, यहाँ पर एक कैपेसिटर, बीच वाला तो 20 चला गया, तो ये C1 है मान लो, C2 है, ये C3 है, ये C4 है, तो अभी C1 C2 सीरीज में होगा, C3 C4 सीरीज में, एंड ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल में, तो वैसे आपको सॉल्व करना है। बट जनरली क्वेश्चन ये ट्रेंड रहा है, इसके पहले बहुत बार पूछा गया कि अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है कि सबका वैल्यू सेम है तो बोलो इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो उसमें डिटेल में सॉल्व करते बैठना नहीं है। सिंपल क्या करोगे तुम लोग, देखोगे सबका वैल्यू सेम है तो इक्विवेलेंट भी वही आता है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अ कैपेसिटर, अ नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C1, C2, C3, C4, सबका वैल्यू दिया है C2, C3, C4, C आर कनेक्टेड टू अ बैटरी एज शोन इन फिगर, फाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर C2 एंड C4, ये पूछा है आपसे, राइट। तो ये क्वेश्चन देखो हम लोग थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का कंसेप्ट यूज करके सॉल्व करेंगे, प्लस हम लोग बेसिक फार्मूला चार्ज का, दैट इज Q=C×V है, ये इसी फार्मूला का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये डायग्राम को मैं रीड्रॉ करता हूँ, देखो ऐसे ये आपके ऊपर 3 कैपेसिटर है C1, C2, C3, एंड यहाँ पर एक कैपेसिटर है, वो कौन है, C4 है, और ये कनेक्टेड अक्रॉस बैटरी है जिसका वोल्टेज कितना है, V है, ये C4 है, ये C1, ये है C2, ये है C3। अभी उसने बोला ही है, क्या बोला है कि C1 का वैल्यू C है, C2 का वैल्यू 2C है, C3 का वैल्यू 3C है, C4 का वैल्यू 4C है। तो अगर ये सबका वैल्यू दिया है, हमें पूछा क्या है C2 एंड C4 के ऊपर चार्ज कितना है, बोलो उसका रेशियो कितना आएगा। तो क्या करो तुम लोग, ये जो सर्किट है ना ऊपर वाला पार्ट जो जिसमें तीनों कैपेसिटर सीरीज में है, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करो, एंड नीचे वाले कैपेसिटर को ऐसे ही रखो, राइट। तो ये C4 है, उसके अलावा जो ऊपर कैपेसिटर है देखो उसका इक्विवेलेंट क्या आएगा पता है क्या, वो होगा 1/C=1/C1+1/C2+1/C3+1/C प्लस 1/2C+1/3C।
तो ये थ्री, अगर मैंने 6C को एलसीएम लिया तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अरे बाप रे, कुछ गलत किया क्या मैंने? नहीं, यहाँ पर 6 आ जाएगा ना। हाँ, तो ये 6 + 3 9, 9 + 2 11, तो ये 11/6C होगा। तो C इक्वेलेंट कितना आएगा, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट का होगा 6C/11। तो यहाँ पर कैपेसिटर है 6C/11, यहाँ पर क्या है 4C है, राइट। ये हुआ आपका पहला पॉइंट। अभी देखो, पैरेलल में हमें पता है कि पोटेंशियल हर जगह पैरेलल में सेम होता है। तो ये बैटरी C4 एंड ये 6C/11 तीनों पैरेलल में है, तो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, V होगा। मतलब तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है। एक बार पोटेंशियल मिला, कैपेसिटेंस पता है, तो आप लोग चार्ज इजीली निकाल सकते हो बाय यूजिंग फार्मूला Q = C × V। तो ये जो आपका C2 चार्ज है, देखो, अच्छा C2 के अक्रॉस चार्ज कितना होगा, C2 के अक्रॉस चार्ज है मान लो Q2, C1 के अक्रॉस कितना होगा, C3 के अक्रॉस कितना होगा। एज ऑल थ्री आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो उस केस में क्या होगा, सीरीज में करंट सेम होता है, मतलब चार्ज भी सेम आएगा। तो C1, C2, C3 के थ्रू चार्ज कितना आने वाला है, सेम आने वाला है, मतलब उसका जो इक्विवेलेंट है उसमें से भी उतना ही चार्ज आएगा ना। तो देखो, ये मान लो चार्ज है Q2 है, एंड C4 में से कितना चार्ज आ रहा है, Q4 है। तो वी कैन राइट Q2 एज Q = C × V। तो Q2 एज 6C/11 × V एंड Q4 एज 4C × V। तो अगर मैं Q2/Q4 ये रेशियो ले लूँ, तो ये देखो सी वी कैंसिल होगा एंड 6/11 × 4 आएगा, मतलब ये 3/22 आएगा। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, राइट। तो सिंपल आपने क्या किया, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का कंसेप्ट यूज किया, प्लस Q = C × V, ये वाला फॉर्मूला यूज किया। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में देर आर थ्री कैपेसिटर, ईच ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज वी आर जॉइंड इन सीरीज, द कैपेसिटेंस एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। चलो फिर क्या करते हैं इसको सॉल्व अभी। PMT 2009 का क्वेश्चन है, हालांकि ब्रेकडाउन वोल्टेज के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, हार्डली मुझे तो लगता है एक ही क्वेश्चन है नीट के अंदर, तो हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। मिनिमम वेटेज है अभी तक, मतलब मैक्सिमम चांस है आने का। थ्री कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज वी आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये है देखो आपका तीन कैपेसिटर है, इसको हम लोगों ने कनेक्ट किया एक बैटरी के अक्रॉस, बैटरी रहने दो, इसका कैपेसिटेंस सी, ब्रेकडाउन वोल्टेज वी, सी वी, और ये क्या है, सी एंड वी है। अभी ये तीनों सीरीज में है, मतलब यहाँ पे दिमाग लगाना ही नहीं है। सी इक्वेलेंट कितना आएगा, C/3, क्योंकि तीनों सेम वैल्यू के हैं। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी तो चला गया। अभी क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज वी है, तो कॉम्बिनेशन का ब्रेकडाउन वोल्टेज पूछा गया। अभी देखो, तीनों कैपेसिटर सीरीज में है, तो तीनों के अक्रॉस जो चार्ज होगा ना, वो चार्ज क्या होगा, सेम होगा। तीनों के अक्रॉस चार्ज क्या होगा, सेम होगा, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो इक्विवेलेंट आएगा सी इक्विवेलेंट, इसके अक्रॉस ब्रेकडाउन वोल्टेज वी डैश है मान लो, यानी सी इक्विवेलेंट के अक्रॉस का भी चार्ज कितना आएगा, क्यू आएगा। तो वी कैन राइट हियर सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वी डैश, लिख सकते हैं ना हम लोग यहाँ पर, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्यू बाई वी डैश। यहाँ पर एक काम करो, ये जो ऊपर वाला कैपेसिटर है ना, उसके लिए लिखो C का फार्मूला क्या आएगा, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू सी वी, इसको यहाँ पर पुट करो, तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, सी वी डिवाइडेड बाई वी डैश। तो ये अच्छा, C इक्विवेलेंट को भी पुट करना पड़ेगा ना। चलो, C इक्विवेलेंट कितना है तुम्हारे पास, C/3 है, तो C कैंसिल हो गया, तो वी डैश का वैल्यू कितना आएगा, 3V आएगा। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा यहाँ पर, 3 × V होगा, एंड कैपेसिटेंस क्या होगा, C/3 होगा। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन, राइट। तो ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, देखो अभी इस क्वेश्चन की अच्छी बात क्या है, आपको जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है तीनों कैपेसिटर के लिए सेम दिया था, ब्रेकडाउन वोल्टेज सेम दिया था, इवन कैपेसिटेंस का भी वैल्यू सेम दिया था। मान लो आपको कैपेसिटेंस का वैल्यू अलग अलग दिया है, ब्रेकडाउन वोल्टेज भी अलग अलग दिया है, तो उस केस में ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग,
मान लो दो कैपेसिटर आपके पास, इसका कैपेसिटेंस है मान लो कुछ तो 4 माइक्रो फैरड, एंड इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज है 2 वोल्ट, एंड इसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रो फैरड, एंड इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज है 8 वोल्ट। तो देखो ये दो कैपेसिटर में से जो चार्ज आएगा, Q इज इक्वल टू C इंटू V, मतलब ये 8 माइक्रो कूलम आएगा, और यहाँ से जो चार्ज आएगा वो क्या है कि 16 माइक्रो कूलम आएगा। ये Q1 है, ये Q2 है। अभी ये दोनों अगर कैपेसिटर को हम लोगों ने कनेक्ट किया, ये 4 माइक्रो फैरड का कैपेसिटर 2 वोल्ट ब्रेक डाउन वोल्टेज, 2 माइक्रो फैरड का कैपेसिटर 8 वोल्ट ब्रेक डाउन वोल्टेज, अभी दोनों के अक्रॉस का जो चार्ज है वो अलग अलग है, बट ये दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया तो चार्ज कौन सा लेंगे हम लोग, Q1 लेंगे या Q2 लेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो क्या करना है, देखो ये जब भी ऐसे सीरीज में अलग अलग चार्ज वाले कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं, तो तुम लोग क्या मानोगे, क्यू जो होगा यहाँ पर, वो जितना भी आपके पास क्यू के वैल्यूज है, दो वैल्यूज है यहाँ पर, उसमें का मिनिमम वैल्यू कंसिडर करोगे, तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा 8 माइक्रो कूलम आ जाएगा, राइट। तो अभी अगर ब्रेक डाउन वोल्टेज पूछा गया तो क्या करो, इसका इक्विवेलेंट निकालो। तो इसका इक्विवेलेंट देखो, 4 और 2 क्या है, सीरीज में है, तो कितना आएगा, 4 इंटू 2 8 डिवाइड बाय 4 प्लस 2 6, 8 बाय 6 मतलब 4 बाय 3, तो ये 4 बाय 3 माइक्रो फैरड कैपेसिटेंस है। इसमें से चार्ज कितना जा रहा है, तो जा रहा है 8 माइक्रो कूलम, एंड इसके अक्रॉस का वोल्टेज है वी डैश। तो हम लोग लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी होता है। तो क्यू कितना है 8 माइक्रो, सी कितना है 4 बाय 3 माइक्रो, एंड वी है वी डैश। तो वी माइक्रो माइक्रो चला गया, 4 इंटू 2 इज 8, 3 इंटू 2 इज 6, तो वी डैश का वैल्यू क्या आएगा, अभी यहाँ पर 6 आएगा। तो यहाँ पे अगर ऐसा पूछा गया कि अलग अलग ब्रेकडाउन वोल्टेज है, तो तुम लोग क्या करोगे उस केस में, कि चार्ज निकालोगे ये दोनों में, अगर सीरीज में कनेक्ट किया तो उस केस में तुम्हें क्या कंसिडर करना है, दोनों चार्ज में से और जितने भी चार्ज है उसमें से मिनिमम चार्ज कंसिडर करके सॉल्व करना है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाँ अभी ये देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे, इसके आगे 4-5 क्वेश्चन, और आपको एक पैटर्न दिखाई देगा, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है। देखते हैं कैसे। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वॉल्यूम फॉर अ कैपेसिटर हैविंग एरिया ए एंड सेपरेशन डी केप्ट इन अ पोटेंशियल डिफरेंस वी इज गिवन बाय। तो देखो एनर्जी का मेरे पास फॉर्मूला है, एनर्जी क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वेयर। अभी उसने पूछा है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वेयर डिवाइड बाय, अभी कैपेसिटर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या आएगा, एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन द, राइट। तो ये क्या आएगा, 1/2। सी को अच्छा देखो, जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन में भी उसने सी कहीं पर यूज़ नहीं किया, तो सी को ए में ए के फॉर्म में लिखो, वो क्या आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए डी। तो ए ए कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, 1/2 एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वेयर बाई डी स्क्वेयर। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वेयर बाई डी स्क्वेयर, मतलब ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन, राइट। है ना इजी, एक तो फॉर्मूला याद रखो, नहीं तो सिंपल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखो, आंसर मिल जाएगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द एनर्जी एंड कैपेसिटी ऑफ अ चार्ज प्लेट कैपेसिटर आर ई एंड सी। नाउ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ अप्सलॉन आर 6 इज इंसर्टेड इन इट, देन एनर्जी एंड कैपेसिटी बिकम्स, अज्यूमिंग चार्ज ऑन प्लेट्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो देखो आपसे क्या बोला है, कि यहाँ पर एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटी सी है, एनर्जी कितना है, ई है। अभी हम लोगों ने क्या किया, ये दो कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 6 है। तो आपसे ये सी डैश एंड ई डैश का वैल्यू पूछा गया है, राइट। ओके क्यू का वैल्यू उसने क्या बोला है, सेम है, तो ये अच्छी बात है, उसने दिया है कि क्यू क्या है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट है। तो देखो अगर कैपेसिटी, चलो मैं मान लेता हूँ इनिशियल कैपेसिटी, चलो सी ही मान के सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि जैसे ही हम लोग डाइलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे तो क्या होता है, वहाँ पर कैपेसिटी उसका बढ़ेगा, कितने टाइम्स बढ़ता है, के टाइम्स बढ़ता है, के कितना दिया है, 6, मतलब 6C आएगा। तो पहला आंसर मिला 6C, कैपेसिटी कितना आएगा, 6C। तो ये वाला ऑप्शन बी गलत है, ये तो समझ में आया। अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ कौन सा पॉइंट, एनर्जी के ऊपर। थोड़ा एनर्जी के पहले हम लोग ज़रा पोटेंशियल डिफरेंस ई का बात करें क्या। तो देखो हमारे पास नहीं डायरेक्टली हम लोग सी है, एनर्जी पे आते हैं।
1/2 क्यू स्क्वेयर बाय 2c, ये किसका फार्मूला है, एनर्जी का फार्मूला, क्योंकि हमें क्यू एंड सी पता है ना। तो देखो यहाँ पर एनर्जी कितना आएगा, क्यू तो कांस्टेंट है बट सी का वैल्यू क्या हुआ, सी डैश हुआ ना, तो ये क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2c, सी इज कितना 6c, तो ये कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2c इंटू 1/6, और ये ब्रैकेट क्या इंडिकेट कर रहा है, ई इंडिकेट कर रहा है, तो ये आएगा ई बाई 6। तो एनर्जी है ई बाई 6 एंड कैपेसिटी है 6c, मतलब ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन, राइट। अभी देखो एनर्जी के आपके पास तीन फार्मूला है, कौन से फार्मूला है, एक फार्मूला देखो हाफ सी वी स्क्वेयर, एक फार्मूला है हाफ क्यू वी, एंड एक फार्मूला है क्यू स्क्वेयर बाई 2c। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आपको क्या करना है, ये तीनों में से एक फार्मूला का यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे मैंने दिमाग क्या लगाया कि मुझे क्यू पता है एंड मुझे सी पता है, तो एनर्जी निकालो, तो वैसे निकाल दिया, राइट। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट सेपरेशन डी एंड, चलो ये भी अगेन सिंपल है रे, सेपरेशन डी दिया है, एरिया ए दिया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया है, हमें क्या बोला एनर्जी। चलो फिर एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वेयर। अभी ये जो आपका सी है, सी मुझे नहीं चाहिए, तो सी का फॉर्मूला क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, एंड वी है, वी का फॉर्मूला क्या होता है, ई बाई डी, सही लिख रहा हूँ क्या, नहीं, ए हमेशा मैं कन्फ्यूज होता हूँ, देखो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के फार्मूला में V क्या होता है, E इंटू डी होता है, E इज इक्वल टू वी बाई डी है, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर, और डी स्क्वेयर होगा, डी स्क्वेयर दो डी कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या D, ए आपका आंसर है, किसके साथ मैच कर रहा है, डिवाइड बाई 2 है देखो, और सब कुछ न्यूमरेटर में, मतलब ऑप्शन बी। सेम क्वेश्चन आपको और एक बार मिलेगा, चलो हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पूछा क्या, द एनर्जी स्टोर्ड इन कंडेंसर इज, तो हमें पता ही है अभी ये वाला, इसका आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन ए। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर, अरे देवा ये भी देखो वही क्वेश्चन है, कितनी बार सेम क्वेश्चन, देखो चेंज कुछ नहीं किया, सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन है, सिर्फ ऑप्शन ए का बी का सी ऐसे किया है, बाकी सब कुछ सेम है, राइट। तो दिमाग में फिट कर लो, ये इसका ऑप्शन आएगा बी आएगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अरे 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 क्या हुआ, एक मिनट, गलत बटन दबा दिया शायद मैंने, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। यहाँ पर 11 के बाद आते हैं हम लोग, नेक्स्ट इज 12। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी हैविंग अ चार्ज क्यू एंड एरिया ए, यदि कैपेसिटर के क्वेश्चन में ना क्या क्या दिया है वो हमेशा देखते जाओ तुम लोग, कैपेसिटर का कैपेसिटी सी है, चार्ज क्यू है, एरिया ए है, एंड बोला है कि फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, इन लीनियरली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर रूट ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो फोर्स एंड डिस्टेंस के बीच का रिलेशन हमें ढूंढना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एफ इज इक्वल टू फोर्स क्या होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट कितना होता है, इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो ऐसे लिखता हूँ, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या आएगा, क्यू सिग्मा क्या होता है, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वेयर बाय ए एप्सिलॉन नॉट। तो देखो क्यू है कांस्टेंट, ए कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन। और ये रट लो, ये भी क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया, याद रखो फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखो ये वही क्वेश्चन है अगेन, अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटी सी, डिस्टेंस इज डी, पोटेंशियल डिफरेंस इज वी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, अभी अगेन क्या पूछा है, फोर्स पूछा है, तो हमें अभी फॉर्मूला मिला था एफ का, वो क्या था फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर बाय ए एप्सिलॉन नॉट था ना, ये वाला फॉर्मूला था। अभी क्या कर रहा है मुझे, इसको सी एंड वी के फॉर्म में लिखना है, तो लिख देता हूँ मैं, ये क्यू क्या आता है सी वी, तो ये होगा सी स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाय ए एप्सिलॉन नॉट, बट अगेन मुझे यहाँ पे ए एप्सिलॉन नॉट नहीं चाहिए, तो देखो मेरे पास सी का एक फार्मूला है, वो क्या है फार्मूला,
ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, मतलब ए एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे पुट करो तो ये क्या आ जाएगा, सी स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाई सी डी, सी सी कैंसिल हो गया, सी वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई डी, ये आपका एफ का वैल्यू, समझे। अच्छा सी वी स्क्वेयर बाई डी मतलब ऑप्शन डी इज अ करेक्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये जो क्वेश्चन है, ये वाला जो सेक्शन है ना, अभी यहाँ से थोड़ा सा कैटेगरी चेंज हो रहा है। देखो क्वेश्चन का, पढ़ लेना क्वेश्चन, आई थिंक इसके बाद ऐसे आपको 5-6 क्वेश्चन मिलेंगे, सारे अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंटरलेटेड, एक ही कंसेप्ट के ऊपर बेस है, दैट इज कॉमन पोटेंशियल। चलो करते हैं सॉल्व। अ कैपेसिटर इज चार्ज विद अ बैटरी एंड एनर्जी स्टोर्ड इज यू। तो देखो आपको बोला है एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटी सी है, मैं मान लेता हूँ एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल वी है, तो इसके अंदर कैपेसिटर चार्ज होगा जैसे बैटरी कनेक्ट करोगे, तो इसके अंदर एनर्जी कितना स्टोर्ड है, तो यू है, तो यू का वैल्यू क्या आएगा, हाफ सी वी स्क्वायर, इतना पता चला। आफ्टर डिसकनेक्टिंग बैटरी अनदर कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटी इन पैरेलल विथ इट। तो यहाँ पर देखो ये कैपेसिटर है सी जिसके पास वोल्टेज है वी, इसको कनेक्ट किया हम लोगों ने और एक कैपेसिटर के साथ जिसका कैपेसिटी है सी, राइट। तो अभी ये हम लोग बाय डिफॉल्ट अनचार्ज कैपेसिटर मान के चलेंगे, हालांकि देना चाहिए था बट दिया नहीं, तो चलो फिर कोई दिक्कत वाला बात नहीं, अनचार्ज कैपेसिटर मान के चलेंगे। देन एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर इज, अभी क्या होगा, देखो पहले एक कैपेसिटर था बैटरी के साथ, उसके पास पोटेंशियल उसको कनेक्ट किया था बैटरी के साथ, तो बैटरी की वजह से वो चार्ज होगा और उसके पास एनर्जी स्टोर्ड होगा, कितना स्टोर्ड हुआ, हाफ सी वी स्क्वायर। अभी बैटरी को निकाल दिया, बैटरी के जगह पे एक अनचार्ज कैपेसिटर सेम वैल्यू का लगा दिया, अभी एक कैपेसिटर चार्ज है एक अनचार्ज है, तो यहाँ पर क्या होगा, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम चार्ज कैपेसिटर टू अनचार्ज कैपेसिटर, कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होता। तो मैं मान लेता हूँ कि फाइनल पोटेंशियल जो है ना दोनों का, वो क्या है, वी सी है, कितना है, वी सी, वी सी मतलब कॉमन पोटेंशियल। ये वी सी का फॉर्मूला याद रखो, सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू बाय सी वन प्लस सी टू होता है, ये फार्मूला के ऊपर भी एक क्वेश्चन है आगे जाके हम, तो वी सी इज इक्वल टू सी वन मतलब ऊपर वाला कैपेसिटर इंटू उसका पोटेंशियल, सी टू मतलब नीचे वाला कैपेसिटर उसका पोटेंशियल जीरो डिवाइड बाय सी प्लस सी, मतलब वी सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, सी 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 नहीं वी बाय टू आ जाएगा, राइट। तो ये हुआ आपका दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, वी बाय टू। तो जो फाइनल पोटेंशियल आएगा, एनर्जी आएगा, वो क्या होगा, हाफ सी, उसने ईच कैपेसिटर बोला है तो सी इंटू वी, वी कितना है, वी सी का स्क्वायर, तो ये आएगा हाफ सी, वी सी कितना है, वी बाय टू का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर इंटू वन बाय फोर। अभी हाफ सी वी स्क्वायर मतलब क्या, इनिशियल एनर्जी, तो ये होगा यू बाय फोर, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, राइट। तो ये क्वेश्चन सॉल्व किया बेस्ड अपॉन कॉमन पोटेंशियल कंसेप्ट। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, क्या दिया है, देखो क्या दिया है, देखो क्वेश्चन यहाँ पर, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी सी वन इज चार्ज टू वोल्टेज वी वोल्ट एंड देन कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर सी टू, देन फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी। तो देखो यहाँ पर आपके पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटी सी वन है, इसका वोल्टेज वी है, इट इज़ कनेक्टेड टू अनचार्ज कैपेसिटर सी टू, राइट। ये अनचार्ज कैपेसिटर मतलब इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना है, जीरो है। अभी क्या होगा, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम चार्ज टू अनचार्ज कैपेसिटर, उसकी वजह से दोनों का पोटेंशियल चेंज होगा। मान लो दोनों का फाइनल पोटेंशियल वी सी है, राइट। तो हमें इसका फॉर्मूला पता ही है, अभी डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे हम लोग, कर सकते हो चार्ज का फॉर्मूला इक्वेट करके, इनिशियल चार्ज कितना था फाइनल कितना था इक्वेट करके डेराइव कर सकते हैं, बट डेराइव करना नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू डिवाइड बाई सी वन प्लस सी टू, तो ये आ जाएगा वी सी इज इक्वल टू ये सी वन इंटू वी प्लस सी टू इंटू जीरो डिवाइडेड बाई सी वन प्लस सी टू, तो ये होगा सी वन वी डिवाइड बाई सी वन प्लस सी टू, तो सी वन वी बाई सी वन प्लस सी टू मतलब ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, समझे।
चलो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है? देर आर टू कैपेसिटर्स, ईच ऑफ कैपेसिटी सी एंड अदर कैपेसिटी सी बाई टू आर कनेक्टेड टू अ वी वोल्ट बैटरी एज शोन। द वर्क डन इन फुल्ली चार्जिंग बोथ द कंडेंसर इज। तो देखो ये जो आपका डायग्राम है उसको मैं डायग्राम ऐसे बना सकता हूँ, क्योंकि ये बैटरी का जो एनर्जी है वो एनर्जी किस लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग? टू चार्ज द कैपेसिटर। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितना आएगा दोनों का? देखो ये बैटरी का वोल्टेज वी है एंड सी सी एन सी बाई टू पैरल में, तो ये आएगा 3C/2। तो हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन मतलब क्या होता है, एनर्जी तो होता है, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ सी वी स्क्वेयर। अभी सी का वैल्यू कितना है आपके पास? 3C/2 है, वी का वैल्यू तो वी है, तो ये क्या आ जाएगा, 3C/4V2। तो 3/4 CV2 ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन, राइट? ओके चलो, कितना इजी है देखो ये वाले, ये जो भी सेक्शन है ना कैपेसिटर, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया, चार्ज या कैपेसिटेंस पूछा, तो ही उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, बट बाकी जनरली बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस। हाँ अभी ये भी क्वेश्चन दिखने में बड़ा है बट बहुत इजी है। अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर ईच ऑफ वैल्यू C1 इज चार्ज बाय अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट, राइट? तो ये पहला सेक्शन देखते हैं हम लोग। पहले सेक्शन में वो बोला है उसने कि आपके पास N1 कैपेसिटर है, सबका वैल्यू C1 है एंड सबको सीरीज में कनेक्ट किया है। तो ये C1 C1 ऐसे हमारे पास N1 कैपेसिटर है, सबको सीरीज में कनेक्ट किया, किसके अक्रॉस? 4 वोल्ट के अक्रॉस। तो उसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम आएगा वो कैसे आएगा? देखो सीरीज में कैपेसिटर कनेक्ट किया, सबका वैल्यू सेम है, तो C1/N1 आएगा एंड किसके अक्रॉस? 4 वोल्ट के अक्रॉस, राइट? तो ये आ गया। उसके बाद विथ विन अनादर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ N2 कैपेसिटर ईच वैल्यू C2 इज चार्ज बाय सोर्स ऑफ V इट हैज़ द सेम टोटल एनर्जी। तो एनर्जी का बात चल रहा है, तो अभी आपके पास N2 नंबर ऑफ कैपेसिटर है जिनका वैल्यू क्या है, C2 है, सबको हम लोगों ने क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट किया एंड किसके अक्रॉस कनेक्ट किया है? बैटरी जिसका वोल्टेज है V। तो हमें पता है इसका जो इक्विवेलेंट आएगा, जब भी N नंबर ऑफ कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट करोगे तुम लोग, तो क्या होता है उसका इक्विवेलेंट क्या आता है, N2 × C2 आता है। अभी उसने बोला है कि एनर्जी ऑफ द, अरे रे रे रे, एक मिनट, क्या हो रहा है आज, गलत ही बटन प्रेस हो रहा है। हाँ अभी उसने बोला है एनर्जी ऑफ बोथ द केस सेम है, तो इसका एनर्जी देखो कितना आएगा, U1 वो होगा हाफ C V स्क्वेयर होता है, तो C कितना है, C1/N1 एंड ये क्या है, 4V का स्क्वेयर। एंड इसका जो एनर्जी है U2 वो क्या आएगा, हाफ C, C कितना है N2C2 एंड वोल्टेज कितना, V2। तो U1 इज इक्वल टू U2 उसने दिया है, तो हम लोग लिखेंगे 1/2 C1/N1 16V2 इज इक्वल टू 1/2 N2C2V2। तो V2 कैंसल आउट, 1/2 1/2 कैंसल आउट, तो ये क्या आएगा, देखो C2 का वैल्यू विल बी C1/N1 N2 × 16। तो C2 इज इक्वल टू C1/N1 N2 × 16। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? यस, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन, राइट? चलो फिर आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। हाँ अभी देखो क्या बोला है, कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रो फैरड इज चार्ज एज शोन इन द फिगर। When the switch S is turned to position number 2, the percentage of its stored energy dissipated is. तो percentage निकालना है मतलब final energy minus initial divided by initial, right? तो energy निकालेंगे, तो जब switch position number 1 पे था, position number 1 पे है, तो जो capacity diagram कैसे आएगा, देखो diagram आएगा ऐसे। अभी ये question हम लोगों ने इसके पहले किया है, हाँ ये देखो एनर्जी है वी, इसका कैपेसिटी कितना है 2 माइक्रो फैरड। अभी ये दोनों पैरेलल में मतलब इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना होगा वी, एंड इसका एनर्जी फाइंड करो। इसका एनर्जी कितना है, UI इज इक्वल टू हाफ सी, सी कितना है 2 माइक्रो × V2, राइट? इतना एनर्जी है। अभी ये स्विच चला गया पोजीशन नंबर 2 पे,
पोजीशन नंबर टू पे चला गया तो ये कैसे आ जाएगा, ये होगा ऐसे, इधर ये है 2 माइक्रोफेरड, ये है इधर आपका 8 माइक्रोफेरड, राइट। बाद में पोजीशन नंबर टू पे तो स्विच आ गया, अभी 8 माइक्रोफेरड तो पहले से अनचार्ज है एंड 2 माइक्रोफेरड के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, वी है, तो अभी क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा कहाँ से कहाँ, 2 से लेके 8 तक, कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होता, तो ये पोटेंशियल कितना मानेंगे, वी सी। तो वी सी का तो तुम्हें फार्मूला पता ही है, वी सी क्या होता है, सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू डिवाइडेड बाई सी वन प्लस सी टू, तो 2 माइक्रो इंटू वी प्लस 8 माइक्रो इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2 माइक्रो प्लस 8 माइक्रो, माइक्रो माइक्रो कैंसिल होगा, तो वी सी का वैल्यू क्या होगा, 2V/10 मतलब 0.2 V। एंड बोला क्या है, परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड, मतलब जो फाइनल सर्किट है ना उसका हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइनल एनर्जी निकालना है, जो एक मिनट, ये प्लस है ये वी है, तो फाइनल सर्किट का एनर्जी निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो, हाफ सी वी स्क्वायर, अभी 8 और 2 क्या है, पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, 10 माइक्रोफेरड, एंड वोल्टेज कितना है, 0.2 V का स्क्वायर है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा 10 माइक्रो/2, ये 2 × 10⁻¹ लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना, 4 × 10⁻¹ का स्क्वायर माइनस 2 × V², तो क्या करें हम लोग इसको, ऊपर लिख सकते हैं, देखो ये 2 × 2 चला गया, राइट, बाद में 2V² एंड ये जो पावर बचेगा 10⁻¹ −6 −2, तो ये क्या होगा, −6 −2 −8 −8 + 1 −7, तो ये आएगा 2, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, 0.2 μV², राइट, एंड ये 2 चला गया तो ये क्या आएगा, 1 μV², ये दोनों एनर्जी आ गए। तो परसेंटेज एनर्जी क्या आता है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल, तो फाइनल है 0.2 μV² माइनस 1 μV², इनिशियल कितना है, 1 μV² इंटू 100, तो माइक्रो वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 0.2 - 1 कितना, −0.8 × 100 विच इज इक्वल टू 80%, राइट। अभी ये माइनस साइन का इंडिकेट कर रहा है वहाँ पर कि वो डिसिपिएट हो रहा है, राइट, तो हीट के फॉर्म में जा रहा है, तो ऑप्शन करेक्ट आंसर इज 80%, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन, राइट। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 19, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए, प्लेट सेपरेशन डी, कैपेसिटर सी इज फिल्ड विथ 4 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैविंग डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K1, K2, K3, K4 as shown. If a single dielectric material is to be used to have the same capacitance C in this capacitor, then its dielectric constant is given by. मुझे लगता है जितने भी कैपेसिटर के ऊपर अभी तक नीट में क्वेश्चन पूछे गए ना, यही सबसे लेंदी क्वेश्चन है, देखो अभी तक सिर्फ कैपेसिटर के ऊपर के सबसे लेंदी क्वेश्चन यही है, एंड थोड़ा भी लेंदी है तो ऑब्वियस कन्फ्यूजन होने वाला है मेडिकल वाले बच्चों के लिए। चलो देखते कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक ट्रिक याद रखना है, देखो कैसे याद रखोगे, कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A होता है एंड C इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D होता है, राइट, एंड अगर आप लोग एरिया को डिवाइड कर रहे हो, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 मतलब ये क्या आएगा, पैरेलल आएगा। डिस्टेंस को डिवाइड कर रहे हो तो D1 प्लस D2 प्लस D3 मतलब 1/C1 प्लस 1/C2 मतलब ये किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा। तो जहाँ पे एरिया डिवाइड हो रहा है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे डी डिवाइड हो रहा है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो ये K1, K2, K3 देखो, ये तीनों में क्या डिवाइड हो रहा है, एरिया डिवाइड हो रहा है। देखो तीनों का एरिया क्या है, a/3 a/3 a/3, मतलब K1, K2, K3 ये कैसे है, यहाँ पर एरिया डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल में है। तो देखो आपके पास ये है K1, C1, ये है C2, ये वाला है आपका C3, तो ये C1, ये C2, ये है C3, एंड अभी जो ऊपर वाला स्ट्रिप है K1, K2, K3 का, नीचे वाला स्ट्रिप K4 का, ये दोनों स्ट्रिप देखना उसमें डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है, एंड डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है मतलब वो सीरीज में, तो C4 ये तीनों के सीरीज में आएगा। तो अभी आपको ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी मान लो, इक्विवेलेंट निकालो, आंसर मिलेगा।
उसके पहले हम लोग सी वन सी टू सी थ्री निकाले। तो देखो सी का फॉर्मूला क्या होता है, सी होता है ए एप्सिलॉन नॉट के डिवाइडेड बाई डी। तो सी वन देखो, सी वन का एरिया कितना है, मतलब के वन जो डायलैक्ट्रिक है उसका एरिया ए बाई थ्री, एप्सिलॉन नॉट डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के वन, एंड डिस्टेंस कितना दिया उसका डी बाई टू दिया। मतलब इसको सॉल्व करूँगा तो ये क्या आएगा, देखो 2/3 ए एप्सिलॉन नॉट के वन बाई डी आएगा, राइट। अभी अगर यही लॉजिक मैं के टू के थ्री के लिए अप्लाई करूँ तो मेरे पास सी टू का वैल्यू आएगा 2/3 ए एप्सिलॉन नॉट के टू बाई डी आएगा, एंड सी थ्री का वैल्यू क्या आएगा 2/3 ए एप्सिलॉन नॉट के थ्री बाई डी आएगा। एंड जो आपका सी फोर है, देखो सी फोर के लिए अगर हम लोग वही लॉजिक अप्लाई करेंगे तो सी फोर क्या आएगा, सी फोर होता है ए, सी फोर का एरिया कितना, वो तो कंप्लीट एरिया ए, एप्सिलॉन नॉट डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के फोर, एंड डिस्टेंस कितना है डी बाई टू है, तो ये टू इधर आ जाएगा। तो ये सारे कैपेसिटर आ गए हमारे पास। अभी करते हैं इसको सॉल्व। अभी देखो सी वन सी टू सी थ्री सीरीज में पैरेलल में सी फोर सीरीज में, तो इसका जो वन अपॉन सी इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा वन अपॉन सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, क्योंकि सीरीज में है एंड बाद में सी फोर के साथ पैरेलल में ना। चलो सॉल्व करते हैं। तो ये वन अपॉन, देखो सी वन सी टू सी थ्री में कॉमन क्या क्या है, 2/3 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी कॉमन है, बचा कौन के वन प्लस के टू प्लस के थ्री बचा, राइट। बाद में सी फोर में भी देखो ये क्या आएगा, ए अब 2a एप्सिलॉन नॉट बाय डी क्या बचा, k4 बचा, राइट। एंड जो ये पूरा जो डायग्राम है उसका c इक्विवेलेंट क्या आएगा, तो होगा 1 अपॉन c a, एरिया तो a है, एप्सिलॉन नॉट उसका k इक्विवेलेंट है मान लो k, राइट, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट d मान लेना। तो अभी क्या होगा, a एप्सिलॉन नॉट बाय डी, a एप्सिलॉन नॉट बाय डी, a एप्सिलॉन नॉट बाय डी कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या फिर यहाँ पर, तो इधर होगा 1/k, इधर क्या बचेगा 3/k1+k2+k3, एंड इधर क्या बचेगा 1/k4। और देखो दोनों डिनोमिनेटर में 2 है, लेफ्ट साइड लेके जाओ तो न्यूमरेटर में आएगा, तो ये 2/k ये ऑप्शन किसके साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन सी के साथ मैच कर रहा है, राइट। हालांकि मैंने बहुत ही शॉर्ट वे में लिखा है, तुम लोग जब सॉल्व करने लगोगे तो इतना कम स्टेप में आपसे स्टार्टिंग में सॉल्व नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोगों को करना ही पड़ेगा, राइट। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 20 में, कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग सिस्टम इज। तो देखो वही क्वेश्चन है कॉमन पोटेंशियल वाला, कि एक बैटरी है और यहाँ पर कैपेसिटर है, इसको हम लोगों ने चार्ज किया बाय यूजिंग अ बैटरी वी, तो इसके पास जो एनर्जी आएगा वो एनर्जी कितना होगा, हाफ सी वी स्क्वेयर। अभी ये बैटरी को हम लोगों ने निकाल दिया है यहाँ से, ये कैपेसिटर को और एक कैपेसिटर के साथ लगा दिया। अभी ये जो पहला वाला कैपेसिटर है उसके पास पोटेंशियल भी है एंड एनर्जी भी है, एंड जो नया कैपेसिटर है वो तो अनचार्ज है, राइट, तो सी कॉमा जीरो। तो अभी इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा, हाँ अभी पोटेंशियल अभी सॉल्व नहीं करूँगा मैं यहाँ पर, याद रखो दोनों कैपेसिटर का वैल्यू अगर सेम होता है तो जो कॉमन पोटेंशियल आता है दोनों के अक्रॉस तो आता है वी बाई टू, हाफ हो जाता है, राइट। चाहिए तो सॉल्व करके देख लो तुम लोग। तो इसका जो फाइनल एनर्जी आएगा वो होगा हाफ सी, सी सी देखो क्या है यहाँ पर इक्विवेलेंट, दोनों पैरेलल में है तो क्या होगा 2c इंटू वी बाई टू का स्क्वेयर, तो होगा 1 बाई टू ये 2c, और ये क्या है वी स्क्वेयर बाई फोर है, तो ये कैंसिल ये कैंसिल, ये बचा 2, तो ये आएगा हाफ सी वी स्क्वेयर इंटू 1/2 होगा। मतलब फाइनल एनर्जी जो है वो क्या है, इनिशियल एनर्जी का हाफ है, तो इट गेट डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 2, समझे। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। अगेन अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लेना एक बार क्वेश्चन क्या दिया है देखो। पीएमटी 2020 2014 का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर ये 21, ये दोनों लगभग सेम है. देखो सिर्फ यहाँ पर डायग्राम ग्राफ दिया है आपको. देर आर टू थिन डायलैक्ट्रिक स्लैब ऑफ डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K1 K2 एंड K1 एंड K2 के बीच का रिलेशन दिया है. K1 इज लेस देन K2 है राइट. आर इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर. द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विथ डिस्टेंस डी मेजर्ड फ्रॉम प्लेट वन इज करेक्टली शोन बाय. आपसे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस का वेरिएशन पूछा है. यहाँ पर देखो, याद रखना कि अगर दो प्लेट है आपके पास, दोनों के बीच में अगर डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट रखा के वैल्यू का, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाय के होता है, वेयर के ई नॉट इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर डायलैक्ट्रिक नहीं है तो वहाँ पर मतलब डायलैक्ट्रिक की वजह से क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटने वाला है. तो एक ग्राफ कैसे आएगा देखो इसका. ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका है यहाँ पर एक्स एक्सिस. यहाँ पर मैंने क्या लिया, डिस्टेंस लिया, और यहाँ पर मैंने क्या लिया, ई लिया. तो यहाँ पर मैं पहले मान के चलता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है. अभी जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ई नॉट आ गया, बाद में क्या हुआ, डायलैक्ट्रिक आ गया जिसका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K1 है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुआ K1 के अंदर. बाद में तुम लोग K1 K2 के बीच में एयर है, तो अगेन एक कॉन्स्टेंट रहेगा. बाद में K2 आ गया, K2 पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा. अभी उसने बोला है कि K1 इज लेस देन K2, तो क्या होगा उस केस में, उस केस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, बढ़ेगा. तो K1 E1 का इलेक्ट्रिक, मतलब K1 जहाँ पर डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू E2. तो E2 के केस में ज़्यादा घटने वाला है एंड अगेन कांस्टेंट आएगा ऐसे. तो देखो कांस्टेंट ग्राफ, डिक्रीज हुआ बाद में कांस्टेंट, बाद में और डिक्रीज हुआ बाद में कांस्टेंट है, ऐसा कौन सा ग्राफ है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है ना ग्राफ, ये ई नॉट बाय के वाला ही ग्राफ है राइट, जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर केरोसिन वाला क्वेश्चन था देखो उसके अंदर किया था, बट बहुत ही अच्छे से फ्रेम किया है क्वेश्चन. नेक्स्ट, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैरड इज चार्ज बाय वोल्टेज सोर्स हुज पोटेंशियल इज चार्जिंग एट द रेट 3 वोल्ट पर सेकंड. द कंडक्शन करंट थ्रू द कनेक्टिंग वायर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट. तो देखो जो आपका कैपेसिटर है उसके लिए कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों का वैल्यू सेम होता है राइट. तो जो ऑप्शन आएंगे, एक तो 0.0 आएगा, नहीं तो 60.60 आएगा राइट. ऑप्शन ए एंड सी तो आने के चांस ही नहीं है. तो देखो कैपेसिटर के लिए क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी. तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आएगा, सी कॉन्स्टेंट है, डी वी बाई डी टी आएगा. नाउ डी क्यू बाई डी टी मतलब क्या होता है, करंट, तो ये कंडक्शन करंट इंटू सी. सी कितना दिया, 20 माइक्रो. डी वी बाई डी टी तो आपको दिया वोल्ट पर सेकेंड कितना, 3. तो 3 इंटू 20 कितना, 60 माइक्रो एम्पियर. तो ये आएगा आपका आंसर ऑप्शन डी. याद रखो कैपेसिटर के लिए कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू सेम होता है. मूविंग टूअर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट. आफ्टर डिसकनेक्टिंग द बैटरी द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज यूजिंग एन इंसुलेटिंग हैंडल. एज अ रिजल्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल बी. देखो सोचो इसके ऊपर थोड़ा सा, बड़ा क्वेश्चन. अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट आफ्टर डिसकनेक्टिंग चार्जिंग बैटरी. तो देखो यहाँ पर ये आपका कैपेसिटर है जिसको हम लोग चार्ज कर रहे हैं बाय यूजिंग बैटरी. तो ये चार्ज हुआ तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हुआ. द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज, अच्छा इसका कैपेसिटी सी मान लो. बाद में बैटरी को हम लोगों ने रिमूव किया तो सिर्फ कैपेसिटर बचा. कैपेसिटर बचा उसके ऊपर का चार्ज भी क्या होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू भी, क्योंकि चार्ज को फ्लो होने के लिए जगह नहीं है. द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज यूजिंग एन इंसुलेटिंग प्लेट. तो डी का वैल्यू बढ़ रहा है.
एंड वी नो दैट सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है, तो डी बढ़ेगा तो सी का वैल्यू घटेगा, एंड वी नो दैट सी इज इक्वल टू क्या है क्यू बाई वी है, तो सी का वैल्यू घट रहा है मतलब वी का वैल्यू क्या होगा बढ़ेगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होने वाला है इनक्रीज होने वाला है, राइट चलो तो फिर ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कैपेसिटर। इसके अंदर लगभग सारे क्वेश्चन मैंने कैपेसिटर के कवर किए हैं अप टू नीट और 2020, राइट। तो सारे क्वेश्चन में देखो क्या पैटर्न आपको क्या दिखाई दिया, सिंपल आपको फॉर्मूला याद रखना है C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। उसके बाद क्वेश्चन किसके ऊपर है कि डायलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या होगा, किसके ऊपर, कैपेसिटर के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, चार्ज के ऊपर, ये इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक, ये भी कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्या था कि वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज पैरेलल, वो तो आपको पता होना ही चाहिए क्योंकि वो अगेन रेजिस्टेंस में आने वाला है। एंड बार में देखो इसका अलग पॉइंट क्या था कि कॉमन पोटेंशियल वाला, उसके ऊपर लगभग हम लोगों ने 6 से 7 क्वेश्चन सॉल्व किए कॉमन पोटेंशियल के, तो कॉमन पोटेंशियल का कंसेप्ट अच्छे से पढ़ के रखना। अभी हम लोगों ने सिर्फ पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया है, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा चार्ज के रिस्पेक्ट में भी देखना कि चार्ज का वेरिएशन वहाँ पर कैसे होता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आने के चांसेस है। और एक तुम लोग ऑब्जर्व करो कि नीट एग्जाम में अभी तक उन्होंने सिर्फ 1 या 2 ही क्वेश्चन पूछे वो मल्टीपल डायलेक्ट्रिक वाले, तो मल्टीपल डायलेक्ट्रिक वाले क्वेश्चन आने के भी चांसेस बहुत सारे हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम पूछे गए। तो थोड़ा सा मल्टीपल डायलेक्ट्रिक का फॉर्मूला याद रखो, डिस्टेंस डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटी, एरिया डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा, दोनों डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा। अब क्योंकि इसने जो क्वेश्चन पूछा था एकदम टॉप लेवल का क्वेश्चन पूछा था, राइट, ये तो उसने एरिया डिस्टेंस दोनों डिवाइड किया था। आप लोग एक बार डिस्टेंस वाला क्वेश्चन करो, एक बार एरिया वाला क्वेश्चन करो, बाद में ये वाला ट्राई करना, राइट। तो ये था आपका कैपेसिटर के प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन। आज के लिए हम लोग बस करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए पॉइंट के साथ। थैंक यू एवरीवन।